नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवन, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइन्स इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, यूजीसी नेट सोशियोलॉजी विषय पर मैंने लगातार इधर तरफ कुछ महत्वपूर्ण वीडियोज को अपलोड किया है। थिंकर्स में मैंने कुछ वीडियोज अपलोड करने के बाद इधर बेसिक कॉन्सेप्ट स्पेशली सोशियोलॉजी में कल्चर के कुछ कंटेंट्स पर मैं वीडियोस अपलोड करने के सीक्वेंस में आज आपके साथ एक महत्वपूर्ण कल्चर का कॉन्सेप्ट प्रति संस्कृति यानी काउंटर कल्चर या काउंटर कल्चर पे चर्चा करूंगा। तो आज जो मेरी चर्चा है वो एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट डेट इज काउंटर कल्चर पर होगी। काउंटर कल्चर यानी प्रति संस्कृति, जिसे हम काउंटर कल्चर भी कहते हैं, इसका क्या मायने है? जनरली जब किसी समाज की मुख्य संस्कृति का उसी संस्कृति की उपसंस्कृतियों द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विरोध किया जाता है, उसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानदंडों और मूल्यों को चुनौती दी जाती है या नकारा जाता है और उनके प्रति अपना विरोध व्यक्त किया जाता है, तब ऐसी उपसंस्कृतियों को प्रति संस्कृति या प्रतिरोधी संस्कृति कहा जाता है। कहने का मतलब, जब मेन स्ट्रीम कल्चर पर उसकी सब स्ट्रीम कल्चर द्वारा उसका विरोध किया जाए। बात को समझिए, यहां पर मेन स्ट्रीम कल्चर का, मेन स्ट्रीम कल्चर का विरोध, ठीक है, उसका नकारा जाना उसकी सब स्ट्रीम कल्चर द्वारा, तो ऐसी दशा को हम काउंटर कल्चर कहते हैं। अब इसका उदाहरण क्या हो सकता है? पुस्तकों में इसका बहुत से उदाहरण दिया, जैसे हिप्पी समाज या पॉप संस्कृति का उद्भव हो जाना। अब इस दृष्टिकोण से भी बेस्ट एक कॉन्सेप्ट, एक उदाहरण मैं आपके सामने रख सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे हिंदू समाज में शादी विवाह की परंपरा में बारात का विरोध होना। अब जनरली होता क्या है, शादी विवाह की परंपरा में बारात में लोगों को सड़क पे चलना और इससे सड़क का जाम होना। तो मेन स्ट्रीम कल्चर क्या है? शादी ब्याह, और विवाह में बारात की संस्कृति का विरोध किया जाना, यह एक प्रकार से प्रति संस्कृति का एक सुंदर उदाहरण। यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानदंड और मूल्यों को चुनौती उसी की संस्कृति के द्वारा दिया जाना। इस अवधारणा का जो प्रतिपादन किया वो जॉन मिल्टन यंगर ने 1960 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल रिव्यू नामक एक आर्टिकल में किया। इस प्रकार से इनके प्रतिपादक जॉन मिल्टन यंगर माना जाता है, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन सर्वाधिक प्रचलित, इसका सबसे ज्यादा प्रचालन किसने किया? तो थियोडोर रोजाक, उन्होंने अपनी पुस्तक द मेकिंग ऑफ काउंटर कल्चर में इस अवधारणा को दिया। यहां पर मैंने आपको एक महत्वपूर्ण कंटेंट डेट इज आप काउंटर कल्चर पर विश्लेषण दिया। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और भी कमेंट्स लिख के भेजिए, जिससे मैं बहुत सी उत्साह पैदा करके आपके लिए और नए वीडियोज बनाऊ। संस्कृति के इस क्रम में अभी बहुत से नए टॉपिक्स, नए वीडियोस आपके लिए लाने में लिए अभी और कार्य है, जिसमें कल्चरल पैटर्न क्या है, कल्चरल शॉक किसे कहते हैं, पॉवर्टी ऑफ कल्चर और कल्चर ऑफ पॉवर्टी इत्यादि टॉपिक्स पर मैं जल्दी आपसे मुलाकात करूंगा, नए विजन रखूंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।